यार मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैच इंडिया जीतेगी। तू दो पेटी लगा दे। अरे पता है कितना हो गया है यार, दे दूंगा। 40 घंटे में पैसे नहीं दिए। तेरा कोई अपना इस दुनिया से निकल लेगा। चलो रे, पता है ना तुझे, तुझे पता है ना उसने क्या बोला है? अगर 48 घंटों के अंदर उसको उसके पैसे नहीं मिले तो वो मार देगा तुझे। मुझे क्यों? मैंने क्या किया? चुप! बकवास बंद। अपने बाप को फोन करके बोल कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। मिताली, तू टेंशन मत ले, मैं जल्दी ही वहां आकर तुझे घर वापस ले जाऊंगा। आई प्रॉमिस दैट। और जब तक तेरा भाई है तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? ठीक है भैया। बाप कितने अरमानों से अपनी बेटी की शादी किसी और घर में करता है, और अंजाम? I know it's very sad. Mitali didn't deserve this. For sure. राघव? फोरेंसिक्स का क्या कहना है? डॉक्टर आरती और उनकी टीम क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, अब कुछ टेस्ट रन चल रहा है। घर वालों का स्टेटमेंट ले लेते हैं। मेरा बेटा बेकसूर है, वो किसी का खून नहीं कर सकता। वो तो मिताली को बहुत प्यार करता था। हमें पता है कितना प्यार करते हैं। कौन है आप? आप लोग कौन है? CBI। मैं सत्येंद्र, मिताली का भाई। वैसे आपकी मिताली से आखिरी बार बात कब हुई थी? पूना जाने से पहले उसने मुझे फोन किया था। हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो रिकॉर्डिंग सुनाएंगे? यस सर। मुझे और पैसे नहीं मांग सकती हूं। ये सब कुछ ना मेरी जिद की वजह से हो रहा है। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, फिर भी उसने मेरी बेटी को मार दिया। आप लोग छोड़िएगा नहीं उसे, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। देखिए इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है और उसने अपना जुर्म अभी तक कबूल नहीं किया, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, वो जो कोई भी है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। तुम्हें मिताली की एक आदत के बारे में मालूम? मालूम है? जी हाँ, वो देर रात उठ के कॉफी पीती थी। किसने बताया तुम्हें? माँ जी ने। अब भी इस कहानी की सच्चाई को मानेंगे या फिर गैस स्टोव पर फिंगरप्रिंट्स मिलने के बाद बोलेंगे सच? हाँ, मैं उसे मारना चाहती थी। आप लोग एक बाप पे उसकी बेटी के खून का इल्जाम लगा रहे हैं। महेंद्र जी, मिताली आपकी नहीं पूर्णिमा सिंह की बेटी थी। जब वो 15 साल की थी तब पूर्णिमा जी ने आपसे दूसरी शादी की। पूर्णिमा सिंह को कैंसर था और ये बात मिताली के नाना मतलब पूर्णिमा के फादर जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी दौलत मिताली के नाम कर दी थी। और ये है उस वसीयत की कॉपी जिसके बारे में मिताली को पता ही नहीं था। ये बात सही है कि मैंने वसीयत की बात छुपाई, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी सारी दौलत मेरे बेटे को मिले। पर मिताली मेरी बेटी थी और ये बात तो कोई झुटला नहीं सकता। उल्टा मैं नहीं कहती थी उसे पैसे ना दे, पर इन्हें तो गिल्ट होता था। वो सुधीर को हमेशा पैसे देते ही रहते थे। मिताली मेरी बहन है सर, मैंने उसे नहीं मारा। उस रात में मुंबई में था ही नहीं, मेरे पास टिकट्स हैं सर, आने की जाने की दोनों की। हाँ हाँ, तुम्हारे पास टिकट्स होंगी जाने की भी आने की भी। इनफैक्ट तुम्हारे पास दोस्त भी होगा पूना में जो तुम्हारी तरफ से गवाही दे देगा, लेकिन तुम्हारी एक चूक ने तुम्हें फंसा दिया। तुमने टिकट तो ले ली और सही समय पर मुंबई वापस भी आ गए, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम था कि जिस ट्रेन की तुमने डिटेल में जानकारी दी वो ट्रेन सोलापुर CSTM एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 11306 13 जनवरी को
6 घंटा लेट। नेफ्थलीन जो अक्सर अलमारियों में रखा जाता है कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए, लेकिन लिक्विड फॉर्म में वो मिलावट के काम आता है। नेफ्थलीन को पेट्रोल में मिलाकर डबल करके इनकम डबल। वो सच्चाई जान गई थी तुम्हारे फोन की रिकॉर्डिंग में ट्रक की आवाज। मैं क्या करूं भैया, वो और पैसे नहीं मांग सकती डैडी से। वो आवाज उसने भी सुनी होगी जो पेट्रोल पंप रात को 9 बजे बंद हो जाता है, वहां 11 बजे इतने सारे ट्रक्स क्या कर रहे थे? क्योंकि तुम यहां थे और अपने मिलावट के काम में लगे हुए थे और वो यहां पहुंच गई। अगर आपने कल तक डैडी को सच्चाई नहीं बताई तो मैं जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। प्लीज छोड़ो मुझे। तुम जैसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए, वरना रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा लोगों का।